मीनल बहू तुमने तो बहुत बढ़िया बिरयानी बनाई है वाह मजा आ गया तुम्हारी पहली रसोई में तुम्हारे हाथ की बनी हुई स्वादिष्ट बिरयानी खाकर वाह हाँ मीनल बहू तुम तो सच में बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो हम भी नहीं बना पाते ऐसी बिरयानी तो आज के बाद से हमारे लिए बिरयानी तुम ही बनाओगी हाँ भाभी क्यों नहीं जरूर आज मीनल की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है अपनी सास के कहने पर मीनल अपनी पहली रसोई की रस्म में सबके लिए ढेर सारी बिरयानी बनाती है मीनल के हाथ की बिरयानी उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद आती है जिसे देख मीनल भी अब काफी खुश होती है और ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल जाता है अगले दिन मीनल सबके खाने के लिए पालक पनीर और नान बना रही होती है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पालक पनीर में से जैसे कल सभी को मेरे हाथ की बिरयानी पसंद आई वैसे ही आज सभी को ये पालक पनीर भी काफी पसंद आएगा मीनल खुद से बातें करते हुए सबके लिए पालक पनीर बनाने लगती है कि तभी मीनल की जिठानी और सास किचन में आती है अरे मीनल तुम ये पालक पनीर किसके लिए बना रही हो आप सबके लिए भाभी मैं बहुत अच्छा पालक पनीर बनाती हूँ वो तो ठीक है बहू लेकिन तुम्हें पालक पनीर बनाने के लिए किसने कहा और तुमने अभी तक बिरयानी क्यों नहीं बनाई क्या बिरयानी लेकिन माजी बिरयानी तो मैंने कल ही बनाई थी मीनल बहु कल बिरयानी बनाई थी इसका मतलब क्या है तुम्हें पता नहीं कि हमारे घर में हर रोज खाने में सिर्फ बिरयानी बनती है क्या माजी आप मुझसे कोई मजाक कर रही हैं क्या भला हर रोज कोई बिरयानी कैसे खा सकता है मीनल हम तुम्हारी जेठानी और सास हैं कोई सहेलियां नहीं जो तुम्हारे साथ मजाक करेंगे इसलिए अब जाओ और जल्दी से बिरयानी की तैयारी करो और हाँ एक दो पतीले नहीं बल्कि पूरे चार पतीले भर कर बिरयानी बनाना वो हम सभी थोड़ा ज्यादा खाते हैं इसीलिए मीनल कुछ कह पाती इससे पहले ही संजना और रंभा किचन से चली जाती हैं अपनी सास और जिठानी की बात सुन मीनल काफी हैरान होती है ये क्या था क्या ये लोग सच में रोज बिरयानी खाते है मुझे तो बिरयानी खाना इतना पसंद भी नहीं है अगर ये लोग सच में रोज बिरयानी खाएंगे तो मेरा क्या होगा खाना तो दूर मैं तो बनाते बनाते ही थक जाऊंगी। शुरुआती दिनों में मीनल हर रोज अपने ससुराल वालों के लिए चार पतीले भर भर कर बिरयानी बनाती थी लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे मीनल को हर रोज बिरयानी बनाने में काफी दिक्कत आती है रोज रोज बिरयानी बनाते बनाते मेरा तो मन ही उब गया है अब तो मुझे इसकी खुशबू भी पसंद नहीं आ रही आज तो मैंने बिरयानी बना ली लेकिन कल से नहीं बनाऊंगी अगले दिन होते ही मीनल मार्केट जाकर अलग अलग तरह की सब्जियां लेकर आती है और आज अपने ससुराल वालों के लिए बिरयानी न बनाकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है सभी लोग जैसे ही खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो टेबल पर बिरयानी की जगह और पकवानों को देख काफी गुस्सा होते हैं ये सब क्या है माँ और बिरयानी कहाँ है आज मुझे इतनी जोरों की भूख लग रही है और अभी तक टेबल पर बिरयानी नहीं लगी मीनल भाभी ओ मीनल भाभी जरा इधर तो आइए क्या हुआ खुशबू और अभी तक आप लोगों ने खाना शुरू नहीं करा जल्दी से खाइए वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा ये सब क्या है मीनल बहुत शाही पनीर पूरी छोले हलवा चावल बिरयानी कहाँ है माजी मैं रोज रोज बिरयानी बना बना कर और खा खा कर थक चुकी थी इसलिए आज मैंने आप सभी के लिए कुछ और पकवान बनाए हैं ये बिरयानी से भी अच्छे बने हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे किचन में बिरयानी न बनाकर ये सब बकवास चीज बनाने की जरूरी थी जब तक तुझे पता है कि हम लोग सिर्फ खाने में बिरयानी खाते हैं तो तू क्यों ये बार बार चीज बना लेती है मीनल क्या तुम्हें एक बात को समझने में परेशानी होती है हमने कह दिया ना कि हम सब बिरयानी खाते हैं तो सिर्फ घर में बिरयानी बनेगी समझी तुम संजना टेबल पर रखा हुआ सारा खाना उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है जिसे देख मीनल को काफी दुख होता है लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और अब बेचारी मीनल को दोबारा से चार पतीले भरकर अपने ससुराल वालों के लिए बिरयानी बनानी पड़ती है ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और आज मीनल को पता चलता है कि वो गर्भवती है मीनल की गर्भवती होने की खबर सुनकर उसके ससुराल वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं झुग जुग जी बहू भगवान करे तुझे और तेरे आने वाले बच्चे को किसी की भी नज़र न लगे अब तो मेरी राजू को भी साथ में खेलने के लिए साथ ही मिलने वाला है थैंक यू मीनल ये खुशखबरी तुमने हमें इतनी जल्दी दी अपने ससुराल वालों को इतना खुश देख मीनल की खुशी भी अब बढ़ जाती है गर्भवती होने की वजह से मीनल अपनी दवाई लेकर कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी मीनल की जिठानी संजना मीनल के कमरे में आती है ये क्या मीनल तुम अभी तक आराम कर रही हो रात के आठ बज चुके हैं बिरयानी कब बनाओगी भाभी तो अब तुम्हें गर्भवती हूँ कम से कम अब तो इस घर में रोज बिरयानी बनना बंद हो सकता है ऐसी हालत में रोज रोज आप सभी के लिए बिरयानी कैसे बनाऊंगी मीनल तुम कहे तो इस तरह रही हो जैसे हम तुमसे बिरयानी नहीं बल्कि मजदूरी करवाते हैं घर का सारा काम नौकरानी करती है तुम्हें तो, तो बस बिरयानी बनानी है फिर भी तुम इतना ड्रामा कर रही हो और सिर्फ तुम ही इकलौती प्रेग्नेंट औरत नहीं हो अरे मैंने भी बच्चे को जन्म दिया है लेकिन मैं तुम्हारी तरह पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहकर आराम नहीं करती थी चलो उठो और जल्दी से बिरयानी बनाओ जरा चलोगी फिरोगी तो बदन में फुर्ती रहती है गर्भवती अवस्था में भी मीनल के ससुराल वाले उसे रोज रोज बिरयानी बनवाने से बाज नहीं आते थे जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे मीनल का महीना भी बढ़ता रहता है रोज रोज बिरयानी खाने की वजह से मीनल को उसके शरीर के हिसाब से पोषण नहीं मिल पा रहा था जिसके चलते अब मीनल काफी कमजोर महसूस करने लगती है सुनिए जी आजकल बड़ी थकान सी महसूस हो रही है रोज रोज अब मुझसे ये बिरयानी नहीं खाई जा रही अगर आप लोगों को खानी है तो खाइए पर मेरे लिए बाहर से कुछ और ले आइए अरे कमजोरी तो होगी ना जब दवाई समय से नहीं खाओगी और ऐसी हालत में भी भला कोई बाहर का खाता है क्या अरे घर में बिरयानी बन रही है पता भी है बिरयानी से शरीर में कितनी ताकत मिलती है तो मैं तो बस बाहर का खाना खाने का कोई ना कोई बहाना करना होता है चुपचाप से बिरयानी बनी है खा लो मीनल अपने ससुराल में किसी और से क्या उम्मीद रखती जब मीनल का पति ही उसे खुद समझ नहीं रहा था ऐसे ही समय गुजरता है और मीनल का आठवां महीना लग जाता है हर रोज की तरह मीनल अपने ससुराल वालों के लिए चार पतीले भरकर बिरयानी बनाकर सबके साथ बिरयानी खा रही होती है कि तभी खाते खाते मीनल को उल्टी आना शुरू हो जाती है क्या हुआ भाभी आपको उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी होगी मेरी तबीयत ठीक जब से प्रेग्नेंट हुई हूं, तब से लेकर आज की तारीख तक मैंने सिर्फ बिरयानी खाई है अरे मेरा शरीर कमजोर हो चुका है चलने फिरने की भी ताकत नहीं बची है थोड़ा तो रहम करिए मुझ पर मैं इस बिरयानी को अब और नहीं खा सकती बस मीनल बहू बहुत हुआ बहुत देख लिया हमने तेरा नाटक अरे बिरयानी को खाने के लिए सड़कों पर बैठे लोग कितना तरसते हैं जानती भी है तू अरे बिरयानी नसीब वालों को मिलती है और तू इसकी बेकदरी कर रही है मीनल जान चुकी थी कि उसके ससुराल वालों को समझाने का कोई फायदा नहीं है इसलिए मीनल भूखा रहना शुरू कर देती है और कम से कम बिरयानी ही खाती है गर्भवती अवस्था में ठीक से खाना न मिल पाने की वजह से पहले से कमजोर मीनल और कमजोर हो जाती है और ऐसी हालत में तीनों वक्त कई कई घंटे गैस के सामने रहकर बिरयानी बनाने की वजह से अब मीनल की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और ऐसे ही एक दिन बिरयानी बनाते बनाते मीनल बेहोश हो जाती है सभी लोग मीनल को अस्पताल लेकर जाते हैं डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बहू को वो ठीक तो है ना अभी तो उसका आठवा महीना ही है देखिए आपकी बहू मीनल की कंडीशन इस वक्त ज्यादा ठीक नहीं है एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला है कि उनके पेट में जो बच्चा है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है लगता है इस प्रेगनेंसी की कंडीशन में उन्होंने प्रोटीन वाइटामिन से भरी चीजें नहीं खाई है अगर ऐसा ही रहा तो उनकी डिलीवरी होने में काफी परेशानी हो सकती है और अगर बच्चा ज्यादा कमजोर पैदा होगा तो शायद वो ना बच सके डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर मीनल के ससुराल वालों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हुआ कि तभी मीनल आप सब लोगों के चेहरे पर ऐसी हैरानी क्यों है क्या आपको नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ मैं कहती रही आपसे कि मैं बिरयानी नहीं खाऊंगी और ना ही मैं बना सकती लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और हर रोज मुझसे कई कई घंटे तक बिरयानी बनवाई और मुझे जबरदस्ती खिलाई भी देख लिया अपनी जबरदस्ती का नतीजा अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं जितेंद्र को तलाक और आप लोगों को छोड़ने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा मीनल और डॉक्टर की बातों को सुनते हुए और अपने की गई गलतियों को याद कर मीनल के ससुराल वालों को काफी दुख होता है मीनल बहू हमें माफ कर देना हम तो बस तुम्हें अपनी आदत में डालना चाहते थे लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी ये छोटी सी गलती तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए इतनी बड़ी सजा बन सकती है मैं तो खुद एक बच्चे की माँ हूँ लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी हालत नहीं समझ पाई मीनल मुझे माफ कर देना अरे सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई मैं मीनल का पति होकर भी उसके दर्द को नहीं समझ पाया तो आप लोगों से मैं क्या ही उम्मीद रखूं? हमें माफ कर दो मीनल हम जानते हैं कि हम तुम्हारी माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन हमें प्लीज एक मौका दो हम सब कुछ ठीक कर देंगे अब सभी लोग बिरयानी खाना तो दूर उसका नाम भी घर में लेना बंद कर देते हैं और हर रोज मीनल को तरह तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार से भरपूर चीजें खिलाते हैं और उसका काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं जिसके चलते अब मीनल बिना किसी परेशानी के एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और अब साथ ही अपने ससुराल वालों और पति को भी माफ कर देती है और इसी के साथ अब सिर्फ किसी ओकेजन पर ही बिरयानी बनती है दोस्तों आपको बिरयानी किसके हाथ की पसंद है मम्मी या दादी के हाथ की उनका नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा